पर दिखाना चाहेंगे कि आपकी गाड़ी कहां पर पार्क है और ये व्यक्ति गलत पार्किंग लगाकर चला गया है। पिछले एक घंटे से खड़ी है जी, एक बार दिखाते रहे, आप बताते रहे। ये मेरी गाड़ी है, ये बताइए यहाँ से कहीं से कोई रास्ता नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी निकालूं? आप खुद बताइए कोई रास्ता है जहाँ से मैं गाड़ी निकालूं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये पीली पट्टियां यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग एरिया है, लेकिन उसके बाद सड़क पर इन गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से नासमझ लोग हैं जो सिर्फ अपना अपना देखते हैं, अपना अपना देखते हैं। एक ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये कोई लगाकर चला गया है, एक थार गाड़ी यहाँ पर खड़ी है लेकिन मालिक अता पता लापता है सर। घंटे से खड़े हुआ जी, कोई नहीं आया, मैंने सारा को देख लिया जी, आगे पीछे मेरी गाड़ी फंसी हुई है, मैं इमरजेंसी में आया हूँ जी, मेरी मिसिज की डायलिसिस होनी है, मैं उसको लेके आने वाला हूँ अभी घर से। आप देख सकते हैं थार गाड़ी वाला भाई आया है, उसी से जानने की कोशिश जरूर करते हैं। ये लाइव तस्वीरें सब देख सकते हैं। एक सेकंड सर, आप कितनी देर से सर खड़ी कर गए थे यहाँ गाड़ी? अभी 5 मिनट पहले। तो आपको लगता नहीं कि यहाँ एक घंटे से तो ये खड़े हैं, एक घंटे से तो हम भी खड़े हैं, आधा घंटा, 5 मिनट तो नहीं है? आप अपना अपना देखते हैं, दूसरे का भी देखते हैं। बड़े भाई अभी करके गया था सर, एक घंटे से महिला खड़ी है, वहाँ पर परेशान हो रही है। हाँ? आधे घंटे से तो हम भी खड़े हैं सर, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है गलत हुआ? आपके नहीं है ये, तो कौन खड़ी कर गया था? ये किसी से चाबी लाए आप? आगे से ध्यान रखेंगे बड़े भाई। तो सिर्फ ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए, गाड़ी लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए। हालांकि दुकान में लगता है कि शायद किसी की दुकान पे कोई आया होगा, लेकिन अब गाड़ी की चाबी है जो सर है वो लेकर आए और इस गाड़ी को साइड में कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। देखो जी, पार्किंग तो पेड़ होनी चाहिए जी, कि यहाँ 20 रुपए देने ठीक थे और ये ऐसे यहाँ फ्री में लगाते हैं गाड़ियाँ, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाते हैं, दो दो चार चार घंटे पब्लिक परेशान होती है, बच्चे परेशान होते हैं। तो अकल नहीं है लोगों को गाड़ी लगाने? नहीं लगा, आगे भी मानते, कोई कहना नहीं मानता, जितने भी समझाओ कहना मानता है, कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों लगा रहे हैं यहाँ? नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम सिटी करनाल है, कोई व्यवस्था नहीं है, हर आदमी परेशान है। करनाल के पुरानी सब्जी मंडी पार्किंग से रोजाना हमें कई फोन आते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को यहाँ पर ठेका नहीं दे रखा, ठेका दे रखा है तो कोई यहाँ पर होता नहीं है, किसी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा जाता है और जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं जाम लग जाता है, डेढ़ डेढ़ घंटा यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ता है। आप ये लाइव तस्वीरें जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्किंग की व्यवस्था है, गाड़ियां आगे लगी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे किस तरह से मेन रोड पर ये थार गाड़ी वाला भी पार्किंग लगाकर चला जाता है और जो महिलाएं यहाँ पर खरीदारी करने आई थी, तरीके से उन्होंने पार्किंग अपनी गाड़ी जरूर लगाई थी, लेकिन किस तरह से एक या दो लोगों के कारण ऐसे लोगों के कारण जो लोगों की गाड़ियों के पीछे इस तरह से गलत पार्किंग लगा देते हैं, उनको बहुत ही संभल कर पार्किंग लगानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन एक घंटे से कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी है पुरानी सब्जी मंडी में, लेकिन यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है, काफी लोग इसी तरह से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पर हमें फोन आ रहे थे कि पार्किंग तो आपने बना दी लेकिन किसी तरह की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हैं नाम नाम की सीएम सिटी रह चुकी है, तो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, एक घंटे से आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या परेशानी है और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। सर एक्चुअली क्या है कि जब ये पार्किंग बनी थी हम लोग बहुत खुश थे, 20-30-40 रुपए से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम लोगों के सिस्टम वाइज क्या था कि हम चाबी यहाँ दे जाते थे और जब भी आते थे हमारी गाड़ी निकल जाती थी, चाहे यहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़े रहें। पर पिछले कुछ दिनों से हम लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं, अगर हमें मार्केट में कोई काम है, एक घंटा तो हमारी ट्रैफिक में गाड़ी फंसी रहती है क्योंकि निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर हमने गाड़ी इसके फर के ऊपर लगा दी, उसके आगे सड़क पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है, एक एक घंटा हमारा निकल जाता है। आज मैं तकरीबन एक घंटे से खड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड घर पे खाना खाने के लिए कब से आए हुए हैं और मैं यहाँ से गाड़ी नहीं निकाल पा रही। मैं पुलिस के पास गई, उन्होंने मुझे क्रेन वाले के पास भेज दिया, क्रेन वाले कह रहे हैं जी आपको नंबर दे देते हैं, नंबर वाले से मैं कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, पंजाब का नंबर है, वो लोग कह रहे हैं कि जी ये गाड़ी तो हमने फाइनेंस की हुई है, तो उनका नंबर मेरे को ये नहीं पता कि किसके नाम से ये गाड़ी है। मतलब एक घंटे से मैं लगातार ऐसे ही घूम रही हूँ और मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रही है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, निगम वालों का काम है या सरकार का काम है मुझे नहीं मालूम, पर जिसका भी ये काम है वो प्लीज यहाँ से चार्जेबल पार्किंग दे ताकि कम से कम हम लोगों को सुविधा, तो लेडीज के लिए हर समय तो जेंट्स नहीं बैठे रहते ना कि घर पे कि जाओ आप हम चलते हैं तुम्हारे साथ काम कराते हैं, हम लोगों को तो खुद आना पड़ता है काम करने के लिए, और गाड़ियां हम लोगों को हमारी सुविधा के लिए मिली हुई है और ऑटो में हम लोग नहीं ठंड में इतना चल सकते। तो बिल्कुल घर का सामान भी होता है, मैं दिखाना चाहेंगे कि आपकी गाड़ी कहाँ पर पार्क है और ये व्यक्ति गलत पार्किंग लगाकर चला गया है। पिछले एक घंटे से खड़ी है जी, एक बार दिखाते रहे, आप बताते रहे। ये मेरी गाड़ी है, ये बताइए यहाँ से कहीं से कोई रास्ता नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी निकालूं?
आप खुद बताइए कोई रास्ता है जहाँ से मैं गाड़ी निकालूं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये पीली पट्टियां यहाँ पर लगाई गई है ताकि पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग एरिया है, लेकिन उसके बाद सड़क पर इन गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से ना समझ लोग हैं जो सिर्फ अपना अपना देखते हैं, अपना अपना देखते हैं। एक ये गाड़ी आप देख सकते हैं ये कोई लगाकर चला गया है, एक थार गाड़ी यहाँ पर खड़ी है लेकिन मालिक अता पता लापता है। सर आपकी गाड़ी इनमें से दोनों में से कोई? तो आप देख सकते हैं इस गाड़ी के मालिक कहाँ है लेकिन मालिक का पता नहीं है और लोग यहाँ पर परेशान होते हैं। रूटीन में हमारे पास काफी लोगों के फोन आते हैं कि हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी लगा गया। आप चार्जेबल पार्किंग रखें, पार्किंग का मतलब क्या है, क्योंकि लोगों को तो समझ नहीं है, लोग तो सिर्फ अपना अपना देखेंगे। अब इस शख्स की अगर बात करें तो ये भी पार्किंग ढूंढकर कहीं लगा सकता था लेकिन जल्दबाजी में देख सकते हैं कि जहां पर पार्किंग की हुई गाड़ियां हैं उनके पीछे सड़क पर लगा गया ताकि जो अंदर फंसी हुई गाड़ियां हैं वो ये व्यक्ति दो घंटे ना आए, तीन घंटे ना आए, अगर ये नहीं आएगा तो सामने वाली जो गाड़ी है वो निकल नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये सिस्टम बिठाना चाहिए, चाहे आपने करनाल के पुराने नगर निगम कार्यालय में जो पार्किंग का एक एरिया अलॉट किया है वहां पर भी चार्जेबल पार्किंग होनी चाहिए और तरीके से होनी चाहिए। हालांकि पहले यहां पर एक ठेका जरूर दे रखा था लेकिन उसका भी विवाद हुआ था कि सिर्फ महज कुछ हजार रुपए में ठेका दे दिया गया था अपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन अब यहां पर कोई भी नहीं है, किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है और लोग यहां पर परेशान होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन एक घंटा हो चुका है मैम को भी यहां पर खड़े हुए, मैम कितनी परेशानी हो रही है, अभी तक कोई भी नहीं आया? सर परेशानी बहुत ज्यादा है एक्चुअली, अगर चाहे गाड़ियां अगर लोग सड़क पे भी लगाते हैं, अगर इन्होंने ठेका दे रखा है तो मालिकों को भी आसानी रहेगी, चाहे वो सड़क पे लगाए चाहे कहीं लगाए, पार्किंग वालों को अपने आप ही वो गाड़ी आगे पीछे करते रहेंगे। देखिए स्पेस इतना नहीं है, लोग परचेजिंग करने वाले ज्यादा हैं, गाड़ियां हर आदमी आज गाड़ी में आना पसंद करता है। अगर इन्होंने ऐसे लगाई है, ये मैं नहीं कहती कि इनकी मिस्टेक है, पर चक्कर दिक्कत तो हम लोगों को यही आ रही है ना, अगर आप पेड चार्जिंग यहाँ पे पेड पार्किंग होगी तो हम लोगों को सुविधा होगी, पार्किंग वाले अपने आप गाड़ी को आगे पीछे तो कर देंगे। सिस्टम से कुछ नहीं है। एक और भाई साहब खड़े हैं, तकरीबन आधा एक घंटा हो चुका है। आप बताएं पुरानी सब्जी मंडी में सरकार ने पार्किंग का एरिया तो दे दिया लेकिन राम भरोसे है कोई यहाँ पर तरीके से पार्किंग लगवाने वाला नहीं है और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो पार्किंग आपकी गाड़ियां लगी हुई उनके पीछे गाड़ी लगाकर पता पता लापता हो जाते हैं। आप कितने समय से फंसे हो और क्या परेशानी है आपकी? मैं एक घंटे से खड़े हुआ जी, कोई नहीं आया, मैंने सारा को देख लिया जी, आगे पीछे मेरी गाड़ी फंसी हुई है, मैं इमरजेंसी में आया हूँ जी, मेरी मिसिज की डायलिसिस होनी है, मैं उसको लेके आने वाला हूँ अभी घर से, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, ना कोई आसपास आदमी मिल रहा है उसको हटाने के लिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या किया जाए? मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ भाई, यहाँ कोई ना कोई सेफ्टी दी जाए और पार्किंग के लिए भाई आगे पीछे गाड़ी ठीक तरह से खड़ी की जाए। तो लोगों को अभी समझ नहीं है, हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, आप देख सकते हैं ये पार्किंग करने की जगह नहीं है। थार गाड़ी आपने ले ली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पार्किंग सेंस नहीं है, अगर आपकी गाड़ी आगे फंसी होती और उसके पीछे कोई गाड़ी लगाया जाता तो आप लड़ने के लिए मजबूर हो जाते, आप लड़ लेते सामने वाले से, लेकिन अब आपसे कौन लड़ेगा क्योंकि आपका पता ही नहीं है कि कहां पर है, लेकिन गाड़ी आपकी यहां पर खड़ी है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसी तरह से लोग यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किसी तरह का सिस्टम नहीं है, पार्किंग का स्पेस खाली है, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ महाराज होते हैं जो पार्किंग का स्पेस नहीं ढूंढते बल्कि आए और इन गाड़ियों के पीछे गाड़ियां लगाकर चले गए। कम से कम आप सीधी गाड़ी लगाए, घेर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए, जिसके चलते किसी को अगर जरूरत है तो आगे पीछे कर ले, लेकिन इस तरह से लंबी गाड़ी लगा ली गई है। आप देख सकते हैं थार गाड़ी वाला भाई आया है, उसी से जानने की कोशिश जरूर करते हैं, ये लाइव तस्वीरें से मैं देख सकते हैं। एक सेकंड सर, आप कितने देर से सर खड़ी कर गए थे यहाँ गाड़ी? अभी 5 मिनट पहले। तो आपको लगता नहीं कि यहाँ एक घंटे से तो ये खड़े हैं, एक घंटे से तो हम भी खड़े हैं, आधा घंटा 5 मिनट तो नहीं है, आप अपना अपना देखते हैं, दूसरे का भी देखते हैं बड़े भाई। अभी करके गया था सर, एक घंटे से महिला खड़ी है अभी वहाँ पर परेशान हो रही है, आधे घंटे से तो हम भी खड़े हैं सर, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है गलत हुआ, आपकी नहीं है ये, तो कौन खड़ी कर गया था ये, किसी से चाबी लाए आप? आगे से ध्यान रखेंगे बड़े भाई। तो सिर्फ ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए, गाड़ी लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए। हालांकि दुकान में लगता है कि शायद किसी की दुकान पे कोई आया होगा, लेकिन अब गाड़ी की चाबी ये जो सर है वो लेकर आए और इस गाड़ी को साइड में कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, किसी दुकान में बैठे हुए थे शायद, उनकी चाबी लेकर आए हैं? सर मुझे नहीं पता, मैं तो क्रेन वालों के पास गई थी, उन्होंने नंबर डायल किया, जो नंबर उन्होंने निकाला अपने नेट से, तो वो नंबर पंजाब का शो हो रहा था,
पंजाब वाले कोई बैंक का नंबर था, वो कहने जी हमने तो गाड़ी फाइनेंस कर रखी है, मुझे आप नाम बताओ। अब नाम कहाँ से ढूंढे हम उस बंदे का कि किसके नाम पे गाड़ी आई है। अब ये कहाँ से आए हैं मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो इधर इन लोगों से बात कर ट्रैफिक सेंस होने चाहिए लोगों को कम से कम। बिल्कुल ये तो है ही, ट्रैफिक सेंस भी होनी चाहिए सर। ट्रैफिक वाले अब कई बार क्या होता है, हमारी गाड़ी मैं आपको बताती हूँ 13 सेक्टर में अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पार्किंग का चालान भरा है। पार्किंग क्या है कि मेरी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, वहाँ 10 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे भी चालान है। आप ये देखिए कि 13 सेक्टर की मार्केट में भी अगर हम लोग चालान पे कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं चालान होना चाहिए। सालों पहले पुरानी नगर निगम की बिल्डिंग को तोड़ा था, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही थी, वो प्रोजेक्ट आज तक बिल्कुल जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को पार्किंग ही नहीं देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। सर देखिए मेरे को पॉलिटिक्स का इतना नहीं नॉलेज, पर मेरे को तो यहां का मेरे को बहुत अच्छा लगा था जिस टाइम ये पार्किंग बनी थी। सब्जी मंडी में जब ये पार्किंग बनी थी हम लोग 20 रुपए की 2 घंटे या 3 घंटे की पर्ची होती थी, देखे 40-50 रुपए में हम लोग अपना काम करके चले जाते थे इजली। बट अभी ये काफी पिछले 6 महीने से मैं ये दिक्कत महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम करण गेट का ज्यादा रहता है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ आते हुए डर लगने लग गया कि करण गेट जाए या ना जाए क्योंकि मेन व्यवस्था यहाँ पार्किंग की है। परसों मैं यहाँ आई, परसों मैं वहाँ 1 घंटा खड़ी रही, मतलब मेरे साथ मेरी जो रिलेटिव थी वो शॉपिंग करके भी आ गई और मैं पार्किंग ही ढूंढ रही हूँ अभी क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तो मैं काफी समय से सोच रही थी कि इस चीज के लिए आप लोगों जब तो आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम आपने अच्छा स्टेप उठाया मैम, क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को, अब गाड़ी आपकी हट गई आप प्लीज घर जाइए क्योंकि आप भी 1-1.5 घंटे से परेशान हो रहे थे। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पार्किंग वाले एरिया में मैडम की गाड़ी खड़ी है लेकिन पीछे जनाब एक अपनी थार गाड़ी बड़े शान से टेढ़ी खड़ी कर चले गए। 1 घंटे बाद आए, जब उनको पता चला कि मीडिया वाले आए हुए हैं तेज तेज बोल रहे हैं, तब जाकर उनको कहीं ना कहीं सूद आई कि उनको गाड़ी भी हटानी है। लेकिन जब ट्रैफिक सेंस ही नहीं होगी कि हमें गाड़ी कैसे खड़ी करनी है, कम से कम अगर आपने गाड़ी के आगे गाड़ी लगानी है आप ऐसे न्यूट्रल खड़ी कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कम से कम किसी ने आगे पीछे करनी है तो वो कर लेगा जैसा कि दिल्ली और चंडीगढ़ में होता है। अब आप देख सकते हैं अब ये गाड़ी निकलेगी तब जाकर ये थार गाड़ी वाला भी वहां लगाएगा, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अब उसको पार्किंग का इंतजार है कि ये मैडम अपनी गाड़ी लेकर जाए और तब वह अपनी गाड़ी पार्क करे। लेकिन सिर्फ लोगों से हमारी अपील है, ऐसे लोगों से अपील है कि आपके कारण कई लोगों को परेशान होना पड़ता है। सिर्फ एक ट्रैफिक सेंस होनी चाहिए, पार्किंग सेंस होनी चाहिए जिससे कम से कम लोगों को परेशान ना हो। हालांकि आप देख सकते हैं कि ये महिला अब किस तरह से 1 से 1.5 घंटे बाद यहां से अपनी गाड़ी को लेकर यहां से जाती हुई नजर जरूर आ रही है और अब थार गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को बाहर लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसने बताया कि ये गाड़ी उसकी नहीं है लेकिन किसी ना किसी भाई की गाड़ी होगी, उससे हमारी अपील है कि कम से कम भाई इस चीज का ध्यान जरूर रखे, एक पार्किंग सेंस जरूर होनी चाहिए, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और प्रशासन को भी यहां पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम यहां पर जो चार्जेबल पार्किंग है उसका किसी को ठेका दीजिए, कम से कम उसे सुविधा तो सुधरेगी, लोग परेशान तो नहीं होंगे, लोग प्रशासन को सरकार को तो नहीं कोसेंगे। हमारी आप लोगों से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल बेटा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। देखो जी पार्किंग तो पेड़ होनी चाहिए जी कि यहाँ 20 रुपए जगह ठीक थे और ये ऐसे यहाँ फ्री में लगाते हैं गाड़ियाँ, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाते हैं, 2-2, 4-4 घंटे पब्लिक परेशान होती है, बच्चे परेशान होते हैं। तो अकल नहीं है लोगों को गाड़ी लगाने नहीं लगा आगे भी मानते, कोई कहना नहीं मानता, जितने मर समझाओ कहना मानता है, कहता है आपको क्या प्रॉब्लम है आप क्यों लगा रहे हैं यहाँ, क्या कहना चाहेंगे भाई, किसी को एक किस्म की पार्किंग सेंस नहीं है, परेशान होते हैं लोग यहाँ पर। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे परेशान जब ये महिला थी 2-3 घंटे से यहाँ फिर रही थी, कभी उधर जा रही थी कभी इधर आ रही थी, तो उससे अच्छा था ये 20 रुपए जो गाड़ी के लेते हैं पे करते हैं वो ठीक है इस परेशानी से, तो क्या बंदे ने कितना जरूरी काम है उसको जल्दी जाना होता है, तो इसके चक्कर में 2-3 घंटे यही खत्म हो गए, इसके दिन ही छोटा सा है, उसमें क्या करेगा बंदा फिर। लोग गलत लगा देते हैं, बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत है ये, तो इससे अच्छा था पे ले ले 20 रुपए 30 रुपए 20 10 रुपए वो अच्छा है, इसे ये सारी गाड़ियां मिंटा साहब नजर मार के देख लो सब एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है यार, कौन हटाएगा, ऐसे बंदा बैठा है बस इंतजार में ये 2 घंटे में 3 में 4 में ऐसे परेशानी रहेगा बंदा, अपना कोई काम नहीं।